हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना पिछले वीडियो में काम चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें दो एप्लीकेशन कर लिए थे। एक एप्लीकेशन मैं आज इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूं, और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है कि मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए हम जूल टॉम्सन गुणांक आप किस प्रकार से प्राप्त करते हो। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो अपना ये है जूल टॉम्सन प्रसरण। इसका जो डिटेल अध्ययन है वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर होगा। यहाँ पर अपन केवल मैक्सवेल इक्वेशन का एप्लीकेशन लेंगे इसके अंदर काम में। आपने लिखा जूल टॉम्सन प्रसरण, या फिर बोलेंगे जूल टॉम्सन एक्सपेंशन। जूल टॉम्सन एक्सपेंशन के अंदर क्या करते हैं, अपन गैसों को उच्च दाब वाले क्षेत्र से किसी पोरस प्लग के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित करते हैं। ठीक बात ना। ऐसा करने पर गैसों के तापों में परिवर्तन होता है तथा इस प्रसरण के अंदर एंथैल्पी का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो पहली जो लाइन लिखी वो क्या लिखी कि एच का मान नियत रहता है। एच का मान क्या रहता है, नियत रहता है। एच का जो अपना जो सूत्र होता है वो होता है यू प्लस पी वी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू प्लस पी वी का मान क्या होगा, नियत होगा। इसका अगर मैं परिवर्तन लेता ले लेता हूँ, अवकलन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा डी यू प्लस यू है भैया पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू नियत का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक ही लाइन बोली है कि इस प्रसरण के अंदर एच का मान क्या होता है, नियत होता है। टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, गैस की नियत रहती है। ठीक बात ना। अपन लोग ये जानते हैं कि ये जो है ये बराबर होता है किसके, ऊष्मा गतिकी के प्रथम और दूसरे नियम से इसकी जगह लिखा जा सकता है टी डी एस प्लस वी डी पी है ये अपना वी डी पी इक्वल टू जीरो। यह आपने समीकरण नंबर दे दी एक। ठीक बात ना। अब हम मान लिया कि एंट्रोपी एस है वो फलन है टी और पी का। किसका फलन है, टी और पी का। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंट्रोपी है वो टी और पी है वो क्या है, स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डी एस बराबर एस का एक बार टी के सापेक्ष करेंगे, रेस्पेक्ट में करेंगे, और एक बार पी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी। इसमें कॉन्स्टेंट अपन किसको रखेंगे, पी को। ठीक बात है ना। और डेल टी का टी का दोबारा करेंगे डी टी, प्लस क्या लिखा जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी, और कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पर टी, और यहाँ लिखेंगे डी पी। समीकरण एक से आप डी एस का मान रख दो। समीकरण एक से डी एस का मान रखने पर देखो आपके पास क्या प्राप्त होता है। यहाँ से डी एस बराबर क्या लिखूँ, माइनस वी डी पी अपॉन टी, दैट इक्वल टू ये सेम आ जाएगा लाइन, ये पूरी पूरी लाइन आ जाएगी अपनी। अब इस टी को उस साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगा माइनस वी डी पी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, पी है, और यहाँ लिखा डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी, कॉन्स्टेंट यहाँ पर कौन है, टी है, और ये लिखा डी पी लिखा। डी पी वाले टर्म को एक साइड में कर लेता हूँ, इसका पक्षांतर इधर करूँगा, इन दोनों में से क्या आ जाएगा, डी पी कॉमन आ जाएगा। तो देखो कॉमन कैसे क्या निकालते हैं, तो ये आ जाएगा अपना, पहले स्टेप लिख दूँ तो ये लिखा गया टी और डेल एस अपॉन डेल पी डेल टी डेल एस अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट कौन है, पी, और ये लिखा डी टी। पहली स्टेप लिखी, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो यह आ जाएगा प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी, और कांस्टेंट कौन है, पी, और यहाँ लिखा ये डी पी, तो कॉमन निकाल रहा हूँ, प्लस वी, और ये डी पी क्या कर दिया कॉमन, बराबर जीरो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी ये बात मैथमेटिक्स समझ में आ गई। दो ही काम किया है, जूल टॉम्सन प्रसरण के लिए एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा लिया कि एस इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड पी। ठीक बात है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया दो,
इसके बाद में अपन जानते हैं मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से। अब दोबारा वही बात आ गई कि चतुर्थ समीकरण याद हो तो याद करने के लिए वही है टी वी एस और टी पी एस, तो चौथा यहाँ से शुरू होगा और फोर्थ वाले पे जाएगा, ठीक बात है ना। तो देखो किस प्रकार से क्या लिखूँ, तो यह आ जाएगा आपका डेल एस अपॉन डेल पी बराबर, क्या लिखूँ, डेल वी अपॉन डेल टी। अगर आपने याद कर रखा है तो वहाँ से आपके याद हो गया होगा, आधा मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के। यहाँ पर कॉन्स्टेंट कौन होगा आपका टी, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट कौन होगा आपका पी। मैंने बताया था टी और वी साथ नहीं है तो माइनस। फिर देखो अपन लोग जानते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक बात है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को नोटेशन के रूप में लिखते हैं सी पी, और सी पी इक्वल टू क्या आता है, एक मोल के लिए डेल क्यू अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट कौन है पी, पी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। डेल क्यू अपॉन डेल टी की जगह टी डी एस लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट कौन है पी है। ये दोनों मान समीकरण दो में रखने पर, ये मान समीकरण दो में रखने पर देखो आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सी पी डी टी, सी पी डी टी प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा V, पहले लिख रहा हूँ V, और इसकी जगह क्या आ गया आपका माइनस टी डेल V अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट यहाँ पर कौन है P है, और इस साइड में लिखा आपने डी पी दैट इक्वल टू जीरो। मेरे हिसाब से समझाएगा V की जगह V और T की जगह T, डेल S अपॉन डेल P की जगह पे क्या लिखा, डेल S अपॉन डेल P इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल T कॉन्स्टेंट P, ये लिखा आपने। इसका अगर मैं पक्षांतरण कर दूं उस साइड में, पक्षांतरण करेंगे तो देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा बराबर, और यहाँ अपना क्या आ जाएगा माइनस, आएगा नहीं आएगा, ठीक बात है। इसके बाद में देखो अपना जूल थॉमसन जो गुणांक है, कोफिशियंट है, वो होता है म्यू एच, और म्यू एच लिखा जाता है डेल टी अपॉन डेल पी, और कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पर है एच एंथैल्पी, शुरुआत में बात बोल दी है। यहाँ से आप थोड़ा गौर करो, डेल टी अपॉन डेल पी लिखोगे तो सी पी इधर चला जाएगा, वन अपॉन सी पी ये लिखा, फिर बाद में माइनस को अंदर लेके जाऊँगा तो टी डेल वी अपॉन डेल टी, और कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, ये आपके फाइंड आउट हो गया, और ये आपका क्या है जूल थॉमसन गुणांक है, ठीक बात है ना। यहाँ पर मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन काम में ली है, चतुर्थ इक्वेशन काम में ली है, ये कहाँ से आएगा ये अपन डेफिनेशन से जानते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में ये तो आपको पता होना चाहिए कि जूल थॉमसन कोफिशियंट क्या होता है, तो आपने याद किया डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी का मान कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये लिखो डी टी अपॉन डी पी आएगा, ये इधर जाएगा, माइनस अंदर लेके चला गया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से देखो आपका जो म्यू एच है आपने क्या प्राप्त किया, ये आप याद रखो, और ये आपने प्राप्त कर लिया म्यू एच इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट एच दैट इक्वल टू वन अपॉन सी पी, और ये आ गया टी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट कौन है पी, और माइनस वी प्राप्त कर लिया। अब अपने पास दो केस बनते हैं, एक आदर्श गैस का कितना होगा और एक जो परफेक्ट गैसें हैं या वांडरवाल गैसें हैं उनके लिए कितना होगा म्यू एच का मान। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, कौन सी गैसों के लिए, आइडियल गैसों के लिए। आइडियल गैसों का अवस्था समीकरण एक मोल के लिए क्या होता है, पी वी बराबर क्या होता है आर टी, अपन जानते हैं। इसके अंदर हमेशा अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसका अर्थ क्या है कि T के रेस्पेक्ट में तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और P को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। तो यहाँ क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किस किस रेस्पेक्ट में, T एट कॉन्स्टेंट P, P को क्या रखना है आपको, कॉन्स्टेंट रखना है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा
पी को कांस्टेंट रखा तो ये बाहर आ गया, और डेल वी अपॉन डेल टी और ये कांस्टेंट है, आर और टी का क्या होगा आपका वन। यहीं से देखो आपको प्राप्त होगा डेल वी अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन है, पी है, और ये आ गया आपका आर अपॉन पी, आर अपॉन पी आ गया। आर अपॉन पी का मान यहां से रखूंगा तो ये आ जाएगा आपका वी अपॉन टी आ जाएगा, ठीक बात ना। अच्छा तो ये वैल्यू अगर मैं म्यू एच के अंदर रखता हूं तो म्यू एच इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन सी पी, यहां से लिखा जाएगा टी और वी अपॉन टी माइनस वी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, आपका प्राप्त क्या हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। म्यू एच का मान जीरो प्राप्त होने का मतलब है कि आपका मान डेल टी अपॉन डेल पी का मान भी जीरो प्राप्त हुआ, और इसका अर्थ आपका यह है कि टी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया, टी आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो देखो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जूल टॉम्सन प्रसरण के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर आदर्श गैसों का किसी प्रकार का टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर पोरस पॉट में से आप पोरस प्लग में से अगर गुजारोगे आदर्श गैस को तो टेम्परेचर वेरिएशन जीरो होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर आता है जो वांडरवाल गैसें हैं या फिर बोल दे वास्तविक गैसें हैं। वास्तविक गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण है वो आपने याद कर रखा पी ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये आपने याद किया वी माइनस बी इक्वल टू आर टी एक मोल के लिए। अब वही बात है, मेरे को निकालना डेल वी अपॉन डेल टी है कॉन्स्टेंट पी पर। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि ये वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि इसके अंदर ये कैलकुलेशन आपको याद करना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि ये सेम लाइन यूनिट नंबर नेक्स्ट के अंदर अपने काम में आएंगी, तो वो मैं यहीं बता देता हूँ, आगे अपन दोबारा कर लेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल टी निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया आर टी अपॉन वी माइनस बी। वही काम दोबारा करें, डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, तो देखो यहाँ से करेंगे पी का तो हो गया जीरो क्योंकि पी कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू ए अपॉन वी क्यूब आ गया, और वी का करूंगा तो ये आ गया डेल वी अपॉन डेल टी और कॉन्स्टेंट कौन है, पी है। सेमी साइड में करेंगे टी का आ जाएगा वन, तो वन करते वी माइनस बी, आर कॉन्स्टेंट है ही, वी माइनस बी का अपॉन में करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और डेल वी अपॉन डेल टी और कॉन्स्टेंट कौन है, पी कॉन्स्टेंट है। डेल वी अपॉन डेल टी को एक साइड में कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ये आ गया, देखो वहाँ से आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए अपॉन वी क्यूब, और बाहर कॉमन क्या निकाला है, डेल वी अपॉन डेल टी और कॉन्स्टेंट कौन है, पी, और दैट इक्वल टू क्या है, आर और वी माइनस बी। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ये दोनों एक साथ किए हैं और कुछ नहीं किया, और डेल वी अपॉन डेल टी को कॉमन निकाला है, ठीक है। इसके बाद में अपना आर टी अपॉन ये बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर वन माइनस टू ए वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब आर टी, और डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी है तो आर अपॉन वी माइनस बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा हम किस इस आर से आर कैंसिल और इस v माइनस बी से एक v माइनस बी कैंसिल, ठीक बात है। अब इसी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये लिखा यहाँ पे t बचा हुआ है t, और ये आ गया आपका डेल v अपॉन डेल t कॉन्स्टेंट कौन है, p, बराबर v माइनस बी यहाँ जाएगा तो ये लिखा ऊपर v माइनस बी, ये नीचे जाएगा तो 1 माइनस टू ए वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा वी क्यूब आर टी, वी क्यूब आर टी लिखा। मेरे हिसाब से इतनी बात आपके समझ आ गई होगी, ये टी साइड में क्यों छोड़ा, ये साफ सेम स्टेप आ रही है इसलिए इसको छोड़ दिया। इसके बाद में यहाँ पर अपन लोग जानते भी हैं और थोड़ा ध्यान भी देना है कि आपका जो बी का मान है वो वी से बहुत कम होता है, स्मॉल बी का मान है वो वी से बहुत ही कम होता है, तो ऐसी स्थिति में
वी माइनस बी है वो लगभग किसके आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो लगभग किसके आ जाएगा, वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक बात ना। तो आप यहां से थोड़ा देखो, ये वी स्क्वायर और ये वी क्यूब, इन दोनों को काटेंगे तो यहां पर क्या बच गया, वी बचेगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका टी डेल वी अपॉन डेल टी, और ये लिखा कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू आपके पास में आ गया वी माइनस बी अपॉन, नीचे आ गया वन माइनस टू ए अपॉन वी आर टी, ये आ गया। मैं पहले बोल चुका हूँ ये सेम लाइनें आगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर काम में आएंगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख के भी काम निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा v माइनस बी तो ये है ही, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू ए और वी आर टी की पावर माइनस वन। अब देखो अपने पास में एक बाइनोमियल थ्योरम का कथन याद होगा आपके, 1 प्लस एक्स की पावर एन है वो लगभग किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है, कब, जब एक्स का मान एक से बहुत ज़्यादा हो, एक्स का मान एक से बहुत ज़्यादा हो। तो देखो टू ए अपॉन वी आर टी, ये मान एक से थोड़ा उल्टा होगा, एक्स का मान एक से बहुत कम हो, एक से बहुत कम हो, टू ए अपॉन वी आर टी है वो एक से बहुत कम है, तो वो ये मैं यहाँ पर काम में लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा वी माइनस बी और वन प्लस टू ए अपॉन वी आर टी, ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी और माइनस टू ए बी अपॉन वी आर टी। अगेन ए और बी छोटी राशियां हैं और ये और भी छोटी राशियां जाए तो इसको आप छोड़ सकते हो, और छोड़ोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका वी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी, टू ए अपॉन आर टी। ये किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है टी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी। यह मान इसके अंदर रखेंगे हम, यह मान कौन सा, यह मान म्यू एच में रखने पर, मैं रखने पर आपके पास देखो क्या आएगा, म्यू एच बराबर डेल टी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट एच, ये तो है ही है, वन अपॉन सी पी, ये आ गया आपका वी माइनस बी प्लस टू ए आर टी और ये माइनस वी, इस v से v क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से आप का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो गया वन अपॉन सी पी और टू ए आर टी माइनस बी, ये अपन को डायरेक्ट भी याद रखना है, अपन को डायरेक्ट भी याद रखना है। अब देखो दोबारा दो तीन एक केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट केस के अंदर अगर आपका 2a अपॉन आर टी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन b है, अगर ये ग्रेटर देन b है तो इसका अर्थ है कि आपका म्यू एच है वो पॉजिटिव आएगा, म्यू एच बराबर डेल टी अपॉन डेल पी है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसका अर्थ क्या है, अगर आप dp का मान नेगेटिव करते हो, dp का मान नेगेटिव यानी दाब में कमी करते हो तो आपका dt का मान भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी पी कम करने पर टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से गैस का टेम्परेचर कम होना यानी शीतलन होता है, इस प्रकार की गैसों के लिए गैसों का दाब कम करने पर शीतलन होता है। केस नंबर टू के अंदर अगर आपका 2a अपॉन आर टी है वो लेस देन बी हो जाए, लेस देन बी होने का मतलब है यहाँ से आपका म्यू एच है वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, यानी डेल टी अपॉन डेल पी है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव कब प्राप्त होगा, जब आप डी पी तो सपोज करो आप नेगेटिव कर रहे हो यानी दाब में कमी कर रहे हो, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, यानी डी टी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये उल्टा हो गया। इसका अर्थ क्या है, अगर दाब में कमी करते हो तो टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की गैसों के लिए उन गैसों का क्या होता है, तापन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। केस नंबर थर्ड और बढ़िया जो है,
अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, 2a अपॉन आर टी इक्वल टू बी हो जाए तो आपका डेल टी अपॉन डेल पी है वो जीरो आ जाएगा। डेल टी अपॉन डेल पी जीरो कब होगा, जब आपका टी क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी आप कह सकते हो इस केस के अंदर न तो गैस का तापन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और न टेम्परेचर कम होगा, ठीक बात ना। इस समीकरण से अपन टी प्राप्त कर सकते हैं, टी बराबर 2a अपॉन आर बी, और इस ताप को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन। इसका अर्थ है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन का अर्थ क्या, देखो अगर किसी गैस का प्रारंभिक टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप इस उत्क्रमण ताप से कम होता है तभी जाके उसका शीतलन होगा, अदरवाइज उसका शीतलन नहीं होगा, उसका तापन होगा। अगर किसी, जैसे सपोज करो यह आपका प्राप्त होगा, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के लिए यह आपका होता है 80 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अगर जैसे रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर अपन लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो वो है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो इस कारण अगर हाइड्रोजन को आप प्रसारित करते हो तो उसका टेम्परेचर घटेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, अगर किसी गैस के लिए प्रारंभिक ताप इस ताप से कम होता है तभी उसका क्या होता है, शीतलन होता है, अदरवाइज उसका शीतलन नहीं होता, उसका क्या होता है, तापन होता है, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन का शीतलन क्यों नहीं होता, तो आप केवल इतनी बात बोलोगे क्योंकि हाइड्रोजन का व्युत्क्रमण ताप है वो -80 डिग्री सेल्सियस है, -80 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से बहुत ही कम है। अगर -80 डिग्री सेल्सियस से हाइड्रोजन का प्रारंभिक ताप कम करोगे तभी जाके उसका शीतलन होगा, अदरवाइज शीतलन नहीं होगा। थैंक यू।